पीयूष गोयल ने आज रायपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से बने अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस पारदर्शी तरीके से नीलामी के जरिए कोयला खदानों का आवंटन किया है, उससे छत्तीसगढ़ को ही करीब 1,11,000 करोड़ रुपये राजस्व मिलने का अनुमान है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद थे। ईमानदार और पारदर्शिता से भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से जब ये कोयले की खदानों को का आवंटन हुआ, उससे अभी तक की जो खदानें नीलामी हुई है या कुछ राज्यों को दी गई हैं, अभी तक की खदानों में से छत्तीसगढ़ राज्य को आगे आने वाले वर्षों में जैसे जैसे कोयला का उत्पादन होगा 1,10,990 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। मैं समझता हूँ इस पैसे से छत्तीसगढ़ राज्य भी एक विकसित राज्य बने, छत्तीसगढ़ में हर घर को बिजली मिले, हर घर व्यक्ति को काम मिले, ऐसे संसाधन बने। इस प्रकार के काम में केंद्र सरकार राज्य सरकार का पूरी तरीके से सहयोग करेगी।